वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रिसाही द्वारा प्रत्येक वार्डो में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा पार्टी की सदस्यता ली जा रही है। सभी वार्डो में कांग्रेस की रिसाली की सदस्यता अभियान प्रभारी सरिता साहू उपस्थित हो रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार एवं भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्रमांक 6 रिसाली के अध्यक्ष मुकुंद भाऊ के द्वारा कांग्रेस सदस्यता अभियान हर वार्ड में चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान में रिसाली की सदस्यता अभियान प्रभारी सरिता साहू प्रमुख रूप से उपस्थित हो रही हैं। वार्डों में वार्ड अध्यक्षों के माध्यम से बैठकें आयोजित की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। बैठक में लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही राजीव गांधी युवा क्लब के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। नमन करते हुए आज हम सब वार्ड 3 और वार्ड 4 में उपस्थित हुए हैं और सबसे पहले मैं आने वाले हमारे जो अतिथिगण हैं उनका वार्ड की डिजिटल का जमाना हम सबको डिजिटल तरीके से अब सदस्यता कांग्रेस का लेना है तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम इजी तरीका है। हमारी प्रभारी भाभी जी द्वारा हर एक वार्ड के बूथ में दो लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, एक महिला एक पुरुष, उनको हम लिंक देंगे कांग्रेस पार्टी का जो एक एंड्रॉइड फोन का ऐप है। सदस्य बन के वो तो जब डिजिटल वाले जब शुरू हुई तब शुरू हुई, अभी शुरू नहीं है। एक सदस्य बन के मसीह एक फोटो लग गई आप मन के और एक शुल्क सिर्फ 5 रुपया, ज्यादा तो नहीं है 5 रुपया है ना, तो 5 रुपया दे के एक आप मन सदस्य बनू तो हाँ सहयोग करू कांग्रेस पार्टी के। तब अभी बताई से इतना सब जन मन तो मोल को बोले पर कुछ रह नहीं गई है, बस सब समझ गए हो आप मन जान डरे हो कि कांग्रेस पार्टी के यहाँ के विधायक के महापौर सब वही बने हैं तो आप मन के वार्ड के विकास के लिए ये सब तो संगठन ला पार्टी ला मजबूत करना है तो आप मन के सहयोग से ही वही हो मजबूत एक बार आप मन। सदस्यता अभियान के लिए आयोजित बैठकों में पूर्व एल्डरमैन डोमार देशमुख, प्रेमचंद साहू, छाया पार्षद राकेश मिश्रा, हेमंत चतुर्वेदी, सुरेंद्र वागमरे, मनीषा बरहन आदि सहित कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हो रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।